हमारे बाबा अनपढ़ों के लिए दो शब्द बोले हैं। वो बोले हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, अरे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो नमस्कार, हम वाणीजीत कुमार। अब देखिए, आज अनपढ़ काहे कहनी है और अनपढ़ के बात में दो शब्द काहे कहनी है, सब कुछ बताइम। आज हम रिव्यू करल बानी एगो ऐसा फिल्म जौना फिल्म का नाम बा अटूट बंधन। सही सुन रहे, अटूट बंधन फिल्म के ट्रेलर के करम रिव्यू और बताएं क्या कि अनपढ़ शब्द कहाँ आए ला शुरुआत में, एक इम्पैक्ट बहुत ही खास बा। सब कुछ रवा लोग देखी, एक रिव्यू जरूर अंत तक देखी और चैनल पर नया बानी तो काम जरूर करी, चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन घंटी जरूर दबाई और बाकी संगे मित्र दौर दयास संगे भी करा के शेयर कर दी। जरा फिल्म का नाम बा अटूट बंधन। चलिए अब हमने के रिव्यू चालू कर दिल जा फिल्म अटूट बंधन के ट्रेलर के जौन रिव्यू बटे। एक्चुअली फिल्म के अगर हमने पहले कहानी के बात कर ली, देखिए कहानी एक तरफ से बहुत ही अच्छा टाइप के साधारण में कहानी बटे, कहें कि बी फोर यू के कंटेंट से एक अधिक उपेक्षा भी ना कर जा सकेला। तो फाइनली कहानी एगो साधारण से बटे, साधारण से परिवार के जे गीत संगीत गा के अपन पेट पालत रहन और अपन जीवन जियत रहन और दू दू गो लैकन के भी जियावत रहन। एक दिन उनकर पत्नी के तबियत खराब होत बटे और उनकरा लगे पैसा नहीं खे बाज पहुँच और ना ही केहू उनकरा के हेल्प कर तटे, ए लिए उनकर पत्नी मर जात बड़ी। ओकरा से उत्याग देते रहन कि आज के बाद ई धंधा हम करबे ना करब, जौन धंधा से यार परिवार ना बचावल जा सके, ऊ धंधा करके का हुई। बात सही भी बटे, ओकरा बाद से वहाँ से ऊ सब कुछ छोड़ के कहीं दूसरा गाँव में अपन दोनों लैकन के लेके जाके बस जात बड़न और ओ जगवा एगो लैका गैरेज के मालिक बन जात बटे, मिस्त्री बन जात बढ़न, एगो लैका पढ़ाई कर लेते, यानी बड़का लैका समर सिंह रहत रहन और दूसरका लैका लाडो मधेसिया। उसके बाद फिर से जीवन बहुत ही स्मूथ और अच्छा तरीका से चल रहत रहतिया। ओकरा बाद से घटना होत बटे, यानी एंट्री होत बटे ऋचा दीक्षित के। ऋचा दीक्षित समर सिंह के देखते ही फ्लैट हुए तरी उनका ऊपर मरे लागत बड़ी और कैसे उनकर बार बार गैरेज में अपन गाड़ी घुसा घुसा के ठीक करावे के नाम पर उनका से प्यार जताओ तरी, ये सब कुछ यूनिक्स लागत बटे और वो प्यार बहुत आगे तक निकल जात भी बटे। ओकर बाद से इन्हें जौन लाडो मधेसिया बढ़न उ पढ़ाई करत करत पढ़ाई में ही उनका मन करता कि हम स्टार सिंगर बने। ओकरा बाद से कैसे अपन बाबूजी से कहते रहें तो बाबूजी के तो पहले ही धक्का लागल बा, कहते रहें कि ना कुछ भी हो जी ए धंधा में ए संगीत में तो हम लोग नहीं जाएंगे, बस अपन काम करके बा पढ़ाई करके बा बस वही में जाए बट। लेकिन वो कहल जाला ना कि लड़का के आगे बाबू जी के का चले, क्यों ने भैया के पेच लगा के यानी समर सिंह के पेच लगा के केंगे ने बाबू जी के मनवा लेते बड़न कि हम गीत संगीत गाइबे करब। अब ओकरा बाद से गीत संगीत गाए खातिर रेडी करा लेते रहन तो एगो ऑडिशन होता बिग ऑडिशन, और जैसे पास कैल के बाद कैसे कंपनी तरह के एंट्री दे दी और अपना तरफ से बजट लगा के तक गवाई, ये सब कुछ फिल्म में बाटे। और कंपनी के ई किंग ने निकाल लेते रहन ऑडिशन और वही जगह कंटेंटेंट्स के किंग ने समर सिंह जलम घोटा खिया खिया के और बाथरूम जाए पर मजबूर करा के अपन भाई के जितवा देते रहन, ये सब कुछ फिल्म में दिखावल जाई और देखे के मिली भी। और बाद से वो जगह से लाडो मधेसिया सिंगर बनत रहन और खूब सारा गाना गावत रहन और पॉपुलर भी हो जात बाड़न। और वही बीच में उनकरा के एगो लड़की मिलती है खुशी झा, जेकरा से प्यार करते रहन और शादी भी कर लेते पड़न। और फैमिली एकदम से स्मूथ चल रहती है, लड़का स्टार सिंगर भी बा, इन्हें गैरेज भी बा, बाबूजी एकदम से मस्त जीवन जी रहा बड़न। लेकिन घटना तब घटत बटे कि गाना तनी मनी एडल्ट टाइप के गावे लगातारन, फूहर टाइप के गावे लगातारन, जैसे फलनवा के बेटी सपनवा में आती है, पड़ोसी के बेटी सपनवा में आती है, ए तरह के थम्बल्स दिखावल जात बाटे और ए तरह के गाना गावत रहन। ओकर बाद से समर सिंह कूट कूट के अपन भाई के दो चार फाइट मारत बड़न तबड़ा के तबड़ा के लाडो मधेसिया के। ओ जगवा लाडो मधेसिया के पत्नी जौन खुशी झा बड़ी उ कहत तरी भाई साहब अपन पद के गलत फायदा उठावत बनी, हमने के छोड़ दी। लेकिन अब हमें जगह बाद थोड़ा सा कोट करम समर सिंह, हाँ समर बाबू के कोट कर, मतलब फलानवा के बेटी सपनवा में आती है, इस समर सिंह के पर्सनल खुन्नस निकाल ले बड़न, समर सिंह अपन पर्सनल खुन्नस ए फिल्म में देखे ले बड़न। सही सुन तनी ऐसे कि इनकर तो खेसारी के साथ जौन खुन्नस भई रहे पर्सनल वाली इस बात जानते ही बड़न, और खेसारी फलानवा के बेटी सपनवा में लेके गाना के लेके कितना बहुत बड़ा हु हल्ला मच रहे ये भी जानत बड़ा जा। तो सब कुछ पर्सनल खुन्नस समर सिंह निकल बड़न और फुहलता और संगीत के मतलब अलग टाइप के जौन स्पीच देते रहन नहीं जगवा बहुत ही निहायती इनकरा में ठीक नहीं बढ़त, काहे कि खुद गावे लहन दू दू गो दूध के फैक्ट्री एमें करी के नौकरी। और इससे और भी एडल्ट एडल्ट गाना बा हम का इनकरा के निकाल के सुनाई, अरे समर भाई कुछ तो शर्म करे यार, तू खुद ऑनलाइन से
उस पद पर चढ़ के आयल बढ़ा और अपना आपके बड़का शरीफ मत बना। यही से कहनी है कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। यही शब्द से कहनी है आगे भी और ही प्रूफ करे वाला वाणी, तनी धैर्य धर। ओकर बाद से फिर से उस जगह से हम लोग अलग, दोनों भाई अलग हो तरन जाए, एगो भाई शहर में एगो भाई गाँव में। और उस जगह इनकर जो पिताजी रहते रहन, सोच तरन कि यार हमारे छोटका लड़का तरन लायक निकल गए स्टार बनला के बाद भी, हमारे बड़का लड़का ही बढ़िया बटे, अपन फिर से बांसुरी उठा के अपन बड़का लड़का के देते रहन, कहते रहन कि लो बेटा हम जरा के संगीत के बढ़ावा देते रहनी है के इतना दबैले रहनी है। ओकर बाद से समर सिंह का करते बड़न कि फिर से गाना गावे चालू करते रहन और गाना गावत रहन, बहुत ही अच्छा गाना गावत रहन, एकदम से सामाजिक गाना गावत रहन। अब सामाजिक गाना कंपनी लेत नहीं है तो अभी समर सिंह कहत का बड़न कि सी डी कैसेट बनवा के मैं पान पट्टी से लगाई शहर चौराहा गाँव गाँव बंटवा लेते रहन और गाने घर बाजे लगाता। अरे समर भाई, अरे महाराज तो लोग तो गजब कर दिया जाए यार। अरे यार तनी मनी तो आई क्यू लेवल हो गए जाए यार, फिल्म आज के बनाओ तो रह फिर सी डी कैसेट दिखाओ तो रह यार, का यार गजब हाल बटे भाई, गजब हाल बटे। अब रमान कहें कि कैसे मालूम कि फिल्म आज के ही बनत बटे? हाँ ये भी हम बता रहा बानी, ये भी बता रहा। देखिए सी डी के ज़माना में लोगों के लगे इतना ज्ञान ना रहे कि यूट्यूब पर जाके कमेंट करी और यूट्यूब चला पाए, लेकिन ऐसे ही ट्रेलर में ही दिखावल गुल बेटे कि रिचा जी से जो उनको पत्नी बड़ी है गाना यूट्यूब पर भगा भगा के और कह तरी कि देखत रही और गाना कितना बढ़िया बढ़िया कमेंट आएल बा। मतलब इतना हिपोक्रेसी की सीमा, इतना हिपोक्रेसी की सीमा कि का कर सके नहीं जा। मतलब यार कुछ तो शर्म करी जा। मतलब एक तरफ आज के समान जमाना बतावत बनी और कैसेट भी बेचवावत बनी, यूट्यूब में कमेंट भी पढ़वावत बनी, का समर भाई गजब हाल भाई यार। हमको समझ में नहीं आवत यार इतना आई क्यू लेवल कम कैसे हो सकत अटे। तो फाइनली यही के यही से हम कहनी है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ओकर बाद से कहानी फिर से थोड़ा सा आगे बढ़त भी, कहानी पा जाए कहानी आगे बढ़त भी है। ओकर बाद से समर सिंह के गाने जब कैसेट बटवा के चल जात भैया तो फिर से कंपनी जब अगला बार गाना गाता तो कंपनी रिलीज कर दिया और समर सिंह भी स्टार बन जात बड़न, गाड़ी साड़ी से चले लागत रहन। उन्हें उनकर भाई के गाना नहीं चल पाओ, भाई उनकर लुट जात रहन, बर्बाद हो जात बड़न और एक दिन डिप्रेशन में आके जहर खा के ताना जहर खा के चाहे फांसी लगा के मर जात बड़न। अब मरला के बाद समर सिंह को बहुत इमोशनली और कमाल से डायलॉग्स निकलते थे। वो कह रहा बड़न कि संगीत के नाकामयाबी हमार माई के लिए डूबल और संगीत के कामयाबी हमार भाई के लिए डूबल, हमके नहीं के समझ में आओ तो हम करी तो क्या करी। फाइनली टेलर के जगह इंड हो बट ई बार टेलर के कहानी और ई बार टेलर के एहन लोग के बीच के विडम्बना या बकचोदी कहली। ओकर बाद से अब हमने की बात कर लिए फिल्म के प्रोडक्शन के बारे में। एक्चुअली उससे पहले बता दें कि फिल्म बी फोर यू के कंटेंट हुए और बी फोर यू के बनर तले बनावल गई बाटे और बी फोर यू में इतना कम सोचे वाला लोग होलन हमके नहीं खे पता। चलिए अब हमने की बात कर लिए फिल्म के प्रोडक्शन के बारे में। असल फिल्म के निर्माता बानी अरविंद संदीप सिंह और अरविंद कुमार अग्रवाल। ए फिल्म के निर्माता मान जाए निर्माता जी आप लोग तनि भी सोच सकते रहनी जा सम कि ये समय के फिल्म में कैसेट कैसे बचवाओ तन जा, कैसेट बचवाओ तन जाए तो यूट्यूब पर कमेंट कैसे पढ़वाओ तन जा, यूट्यूब पर कमेंट पढ़वाओ तो बन जाए तो यार कुछ तो शर्म कर लीजिए ना। ओकर बाद आगे हमने की बात कर लिए फिल्म के कथा भी लिख लो और निर्देशन के लिए त्याग सिंह बंटी। त्याग सिंह बंटी आपके दिमाग में थोड़ा सा भी आई क्यू नाम के लेवल, आई क्यू नाम के चीज, आई क्यू नाम के कुछ भी बचल हो के ना महाराज एक अवश्य सुधरवा दी, फिल्म रिलीज करम तो मैं सुधरवा ले। यार जब ट्रेलर में इतना घटियापन रहो लोग दिखा सकते नहीं तो पूरा फिल्म तो मतलब घटियापन से बोरियत हो गए लोग यार, हम सोच के भी हैरान होते बने। और समर सिंह के पर्सनल खुन्नस के इस फिल्म में डालने के का जरूरत रहा हमें, पर्सनल खुन्नस यार पर्सनल खुन्नस वाला, लेकिन ना समर सिंह अपना आपके बड़का शरीफ दिखावे कोशिश कर रहा कि हम बहुत निर्गुण गावे वाला आदमी हैं, सद्भाव गावे वाला हैं। महाराज कुछ तो शर्म करी, मतलब इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई आप लोग। फाइनली फिल्म में जैसे संगीत दिला बड़न जा मधुकर आनंद और नीलेश प्रजापति। दरअसल ये फिल्म में मतलब संगीत कुछ लेवल तक ठीक बटे और बाकी तो एल्बमिया पैटर्न से बाद जब एल्बमिया स्टार लोगे में बटे तो गीत संगीत के एल्बमिया पैटर्न के अलावा और ही का ही हो सकेला, बाकी गाना वाना सब एहन लोग गए बड़न जा और ही हम का ही कह सकें। बाकी एकर पथकथा जौन बाद दिलीप रावत लिखल बड़न, दिलीप रावत जी ऐसा पथकथा लिखला बिना कौन काज रहा भाई जौन अपना मन से तुना लिख सकत रहा हमके नहीं लगा तर पथकथा में कौन जान बटे, सब कुछ दूसरा के लाइन लिखले बड़न, ये बहुत ही निहायत ही घटिया बटे एकदम से। बाकी संवाद अरविंद तिवारी का, अरविंद तिवारी जी संवाद आप छोड़ दी महाराज, जब समर सिंह के संवाद ही लिख बटे और ए तरह के सी डी बेटवा के तो लोग स्टार बनवा देते रह जाए फिर संवाद के का मतलब बा हमके नहीं खे पता। बाकी ये फिल्म में देखे तो स्टार कास्ट में समर सिंह, लाडो मधेसिया, ऋचा दीक्षित, खुशी झा, श्रद्धा नवल और ईला पांडे जैसन स्टार कास्ट
कमाल के अपन अपन एक्ट देवे के कोशिश कैले बड़न, लेकिन वो एक्ट इस सबसे फीका नजर आ रहा जौन वह लोग ट्रेलर में बकचौदी दिखल बटे और पूरा फिल्म में कितना बकवासगिरी हो यार, हम सोच के भी अजीब और गजीब हमारा लागत बाटे। बाकी और भी लोग स्टार कास्ट में बाटे, जैसे कि भूपेंद्र राय बड़न, सचिन श्रीवास्तव बड़न और सुभाष चौहान के बड़न, और बाकी इतना ही। देखते रहें कमाल के वीडियो वाला कमाल के शो, रिव्यू में बस इतना ही। अब हम और ही कुछ ना कहूँ, हमारे दिमाग बहुत ही उलझन और सुलझन में आ गुल, बाकी हम जीत।